हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम आज देखेंगे इको 01 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टेप्स, सजेशन कैसे पेपर करना है एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इको 01 जो पेपर है वो क्या चीज़ का पेपर है, क्या है, क्या मांगता है, ठीक है। तो ये जो पेपर है 50 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है एंड इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो ये एक्चुअली ये 2 पार्ट में आता है, इसको कंडक्ट करा जाता है 2 पार्ट में। अटैम्प बोथ, दोनों को अटैम्प करना इम्पॉर्टेंट है। एंड आपको 1 नंबर क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं। वो जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो 5-5 मार्क्स के होते हैं। इसमें डिफ्रेंशिएट करना होता है दो एलिमेंट्स के बीच, जैसे बिजनेस और कॉमर्स के बीच करना होता है। मैंने इसकी सारी वीडियो और सॉल्यूशन मैंने एक लेक्चर में प्रोवाइड करा हुआ है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहाँ करवाए हैं और इजीली प्रोवाइड कराया है मैंने, इको 01 के भी और इको 02 के भी, ठीक है। तो इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर लो, कैपिटल मार्केट कर लो और इसमें से सुपर मार्केट कर लो और इक्वालिटी शेयर कर लो। ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने बताया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है अब ये सेकेंड में क्या करना है आपको, अटैम्प्ट बी पार्ट में आपको दोनों अटैम्प्ट करना है, बट इसमें से भी आपको रेस्ट दिया जाएगा। इसमें से आपको कोई भी 3 कर लेना है और 2 छोड़ देना, ठीक है। जैसे आप 2, 3, 4 कर रहे हैं तो आप 5 और 6 को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन रहता है, मेंशन द प्रीवियस प्री रिक्वेस्ट साइट फॉर डिसाइडिंग एन आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है एंड कुछ नोट्स होते हैं। नोट्स एक्चुअली मैंने सब सारे के सारे प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एंड कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है, इसमें तो कोई न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन होता ही नहीं है लाइक अकाउंटेंसी के जैसे। तो आप क्या करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लो, ठीक है। जैसे कि मैंने ये सॉल्व रखा हुआ है, आपको PDF मिल जाएगा नीचे, ठीक है। और एक और बात कि आप लोग जो ये क्वेश्चन पेपर जो भी मैंने अभी दिया है वो एक बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व है, सारे के सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लाइक 2018 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व, यू नो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड जो भी क्वेरीज होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। मैं ऐसे वीडियो का जो भी है मैंने यहाँ से प्रोवाइड कर रखा है, तो आप लोग इको 01 का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन सब यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे फॉल सेमेस्टर के, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप आसानी से डाउनलोड कर लें और वीडियो को प्रॉपर देखें और क्लियर करें कि क्या दिक्कत आ रही है आपको। बहुत ही ईजी पेपर है, तो इसमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है, अब को देखिए बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है ना जो लीगली प्रोवाइड कराती है कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज, और बिज़नेस वो होता है ना जो पैसों की लेन देन से हो, वो बिज़नेस नहीं कहलाता। कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और आप कहीं गिर जाते हैं और वो कोई इंसान आपको उठा देता है, तो आप उसके घर, मान लो आप किसी का वो जान पहचान का आदमी रहता है, तो आप उसके घर मिठाई देने जाते हो एंड ऑल कोई चीज़, तो वो एक जो आप मिठाई दे रहे हो वो एक बिज़नेस नहीं है, ठीक है। वो एक नॉन इकोनॉमिकल बिज़नेस है, ठीक है। वैसे भी बिज़नेस के 2 पार्ट होते हैं, इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल एज अ, सो वो नॉन इकोनॉमिकल के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। बट यही आप इकोनॉमिकल के थ्रू देते हैं, यानी आप मिठाई को देते हैं और उससे पैसे लेते हैं, तो ये एक बिज़नेस हो जाएगा, ठीक है। जहाँ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाए वो बिज़नेस कहलाता है, ओके। कॉमर्स क्या होता है कि कॉमर्स इज़ अ डिविज़न ऑफ अ ट्रेड और प्रोडक्शन, ठीक है, विच डील्स विद एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कस्टमर, राइट। सो इसके भी बहुत सारे इसके 2 पार्ट होते हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड।
और ट्रेड के भी दो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल के भी दो पार्ट होते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल के कोई भी पार्ट नहीं होते, एंड एक्सटर्नल के भी दो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, इम्पोर्ट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, और री एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। और एड्स टू ट्रेड जो होता है उसके भी पाँच होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग जैसे चीज़ें प्रोवाइड होती हैं इस वीडियो में, इस बुक में। सो बहुत ही इजी हो जाएगा ये पेपर, आप वीडियो को देख लेते हो या फिर मैंने जितने भी नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी सबको आप क्लियर कर लेते हो तो, ठीक है। और ECO02 के भी वीडियोस कल या आज रात में प्रोवाइड हो जाएंगे आप लोग को। सो डरने की कोई बात नहीं है, इजी, बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा, डोंट वरी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।